क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लास्ट मिनट बॉर्डर बैकफ्लिप की वजह से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर सकते हैं? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मार्क मैगावन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टेट में एंटर करने देने के अपने फैसले को उलट दिया है। अगर वे वैक्सीनेटेड हैं और 14 दिनों के लिए क्वारंटीन है तो वे स्टेट में एंटर कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीमियर के ओमाइक्रॉन कोविड वेरिएंट के स्प्रेड के कारण 5 फरवरी को अचानक रद्द करने के कारण लेटेस्ट बॉर्डर क्लोजर होने के परिणामस्वरूप हजारों ओवरसीज स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। 20 जनवरी की घोषणा ने स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ईयर की शुरुआत से पहले पर्थ की यात्रा करने से पहले बहुत से दूसरे राज्यों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर पहुंचने के लिए ऑर्गेनाइज करना असंभव बना दिया। हालांकि सरकार ने मंगलवार को जारी एक दस्तावेज में रिटर्निंग स्टूडेंट्स डायरेक्शंस नंबर 2 नामक एक कंप्लीट पॉलिसी बैकफ्लिप का खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि लौटने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में आने और दूसरी स्टेट से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाने की इजाज़त है अगर वे पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं और 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटीन के लिए सहमत हैं। दस्तावेज में लिखा है कि ये डायरेक्शंस उन रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिंट करते हैं जो लौटने वाले स्टूडेंट्स पर लागू होती हैं और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के इम्पोर्टेशन को रोकने और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के स्प्रेड को लिमिटेड करने के लक्ष्य से हैं। एक लौटने वाले स्टूडेंट को प्रूफ देना होगा कि वे फुली वैक्सीनेटेड हैं या स्टेट में एंट्री करते समय मेडिकल एग्जेम्पशन देंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एंट्री के 200 किलोमीटर के अंदर सूटेबल प्रेमिसेस तक पहुंच होनी चाहिए और क्वारंटीन में रहते हुए G2G नाउ ऐप डाउनलोड करना होगा। दस्तावेज में कहा गया है कि सभी स्टूडेंट्स को उनके क्वारंटीन के पहले और 12वें दिन भी टेस्ट करवाना होगा। इनमें से किसी भी डायरेक्शंस का पालन नहीं करना अपराध हो सकता है। 12 महीने तक की कैद या किसी व्यक्ति के लिए 50,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना या किसी कॉर्पोरेट बॉडी के लिए 2,50,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है। यह क्लियर नहीं है कि रिटर्निंग स्टूडेंट्स डायरेक्शंस इस साल देश में नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई शुरू करने की इजाज़त देता है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के CEO फिल हनीवुड ने दी ऑस्ट्रेलियन को बताया कि इन पॉलिसी बैकफ्लिप्स के शिकार स्टूडेंट्स और साथ ही एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं जो अभी भी निश्चित नहीं है कि उनके एनरोल्ड स्टूडेंट्स में से कौन एक सेमेस्टर एक शुरुआत के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करेगा। इस बीच यूनिवर्सिटीज पिछले हफ्ते बंद की घोषणा से नाराज छात्रों को राज्य में लौटने की इजाज़त देने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।